वहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के आकस्मिक निधन से कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दीकी के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन कर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मुलायम सिंह यादव के आकस्मिक निधन की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी के नेतागणों के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी। अपने चहेते नेता को याद कर कार्यकर्ता उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने दुर्ग में मेनोनाइट चर्च के सामने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गयूर सिद्दीकी के नेतृत्व में एक दिवसीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर स्वर्गीय मुलायम सिंह के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं इस अवसर पर नगर निगम के सभापति राजेश यादव सहित वरिष्ठ नागरिकों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर पार्टी के मोहम्मद रजा, सन्नी फर्नांडिस, बाकर अली, प्रदेश महासचिव नियाज खान, प्रदेश सचिव गोविंद प्रसाद शुक्ला सहित अन्य उपस्थित हुए। इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बड़ा दुख का विषय है कि हमारे परम आदरणीय समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह गांधी जी का काफ़ी अरसे से बीमार चल रहे थे, उनका निधन हो गया है। और वो हमारे ऐसा नेता थे जिन्होंने पार्टी को मजबूत कर दिया और पार्टी को बहुत ऊंचाइयों में बढ़ाया। और उनके आकस्मिक निधन में हम समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें समाजवादी पार्टी के ही नहीं दुर्ग के और भी कांग्रेस और आदि सम्मानित नागरिक लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम सभी लोगों ने प्रार्थना की कि ऊपर वाला उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। छत्तीसगढ़ माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आज निधन हुआ। निधन के उपलक्ष्य में हम सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, अन्य पार्टियों के नेतागण, ग्रुप महासभा और सभापति आदि लोग इत्याद सभी मामला पर समर्पित किए। बाद में यादगार में माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री जब थे, उस समय शहीदों के लिए उनके बॉडी को घर तक भिजवाने का कार्य किया, उनका पैसा तत्काल दिलाने का काम किया। इसके पहले जो भी पार्टियाँ रही वो शहीदों की मट्टी को कहीं भी करके राख और मिट्टी भेज देते थे शहीदों के घर, उनका पैसा समय से नहीं देते थे। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने ऐसी सुविधा दी जो आज तक यादगार बनी है हमारे शहीदों। ग्रांड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।